का मौका मिला होता तो सेल का ये स्थिति नहीं रहता, झगड़ा तुम नहीं रहता। मैं अगर विधायक होता तो ये स्थिति नहीं रहता। इनको मिला 53,000, हमको मिला 57,000। हम लोगों ने फैसला किया कि दो में से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और ये 5 साल में, इनका 5 साल के विधायक थे, 3 साल ये राष्ट्रपति शासन झेलते रहे, 2 साल काम करने का मौका मिला। ये जो मांग है, और सेल अगर चालू होता है तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सेल चालू हो। लेकिन अगर सेल नहीं भी अगर चालू हुआ तो 4,000 एकड़ आप लोगों का जमीन है यहाँ सेल का, और उस 4,000 एकड़ जमीन पर 2013 में या 14 में अनंत प्रताप देव जी विधायक थे, और उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, और आकर के यहाँ का आपका माइंस के जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पावर प्लांट का आधारशिला रखा था, और वह आधारशिला रखा था। आज के 2 महीना पहले हम मुख्यमंत्री साहब और अनंत प्रताप देव जी मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमको चुनाव अगर जल्द हो जाएगा तो हम पावर प्लांट के शुरुआत नहीं कर पाएंगे, अगर लेट से होगा तब पावर प्लांट शुरू होगा, लेकिन समय नहीं है, पावर प्लांट चुनाव के बाद निश्चित तौर पर भरना पड़ेगा। और ये जो 1165 मजदूर हैं, 1165 मजदूरों को सबसे पहले पावर प्लांट में काम दिलवाएंगे, इसके बाद काम करेगा, इसकी गारंटी हम करेंगे। आप पीडी राम को भी देखे, यहाँ सांसद रहा, तीसरा टर्म है ना, तीसरा टर्म है। भानु एक बार मंत्री भी था, 2 बार विधायक है। इस क्षेत्र का विधानसभा का 15 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 1 बार 5 साल मंत्री बनने का मौका इसको मिला, और दूसरा बार रघुवर दास सरकार में उसको रहने का मौका मिला। 2 मरतबा इसका सरकार था, लेकिन मजदूरों के सवाल पर, चाहे वो तुलसी दामर हो चाहे वो घगरा हो, इन सवालों पर कभी भी विधानसभा के अंदर कभी भी बात नहीं किया। दिल्ली की सरकार क्या कर रहा है, ये माइंस भी उसी का हवाले है, ये शेयर केंद्र सरकार के जरिए चलता है, लेकिन कभी भी ये पहल नहीं किया। ये लोगों को ये बताता रहा कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगवा देंगे, सीमेंट फैक्ट्री लगवा देंगे। कितना दिन तक ये सीमेंट फैक्ट्री लगवाएगा? ये भवनाथपुर का अनुमंडल बना रहा था, और वो जो सेल के जमीन है 4,000 एकड़ उसमें सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहा था, और यहाँ डिग्री कॉलेज बना रहा था, और नगर अनुमंडल के जिला बना रहा था। क्या नगर अनुमंडल जिला बन गया? भवनाथपुर अनुमंडल बन गया, यहाँ डिग्री कॉलेज खुल गया, या 4,000 एकड़ जमीन में जो है सीमेंट फैक्ट्री लग गया? ये लगातार झूठ बोलता रहा, और मजदूरों को, किसानों को, व्यवसायियों को, छात्रों को, महिलाओं को बरगला करके ये 15 साल सत्ता में रहा, लेकिन इसको इस्तेमाल किया मजदूरों के, और मजदूरों के पैसे पर वो उनका सब चीज चला, चाहे वो गाड़ी चले, कपड़ा पहने, जो करे, मजदूरों के ही खून पसीने की कमाई पर वो ऐश करते रहे। 4 गो मजदूर मिल करके अभी आवेदन लिखा रहे, फिर इसको सुधार लीजिएगा, टाइप करा लीजिएगा। और हमको अभी बात हुआ है नगेंद्र जी से, ये 6 तारीख को मेरे पास आवेदन पहुंच जाना चाहिए, ताकि हम 8 तारीख को, 7 तारीख को माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दे सके। आप तमाम लोग गांव में रहिए, चुनाव हो रहा है अभी, और मैं कह रहा हूँ कि ये बात साफ है, आप तमाम लोग भी जान लीजिए, ऐसे घोषणा कर दिए। मैं भी चुनाव लड़ता था, और माननीय अनंत प्रताप देव भी चुनाव लड़ते थे। इनको मिला 53,000, हमको मिला 57,000। हम लोगों ने फैसला किया कि 2 में से 1 व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम सरकार और सत्ता में नहीं रहेंगे। हम विधायक और मंत्री अगर नहीं बनेंगे तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हम लोग दोनों लड़ेंगे, और लड़ करके दोनों हारेंगे। हम 4 बार चुनाव हारे, और ये 4 बार लड़के 3 बार हारे और 1 बार जीते। और ये 5 साल में, इनका 5 साल के विधायक थे, 3 साल ये राष्ट्रपति शासन झेलते रहे, 2 साल काम करने का मौका मिला। अगर ये काम, अगर इनको काम करने का मौका मिला होता तो सेल का ये स्थिति नहीं रहता, झगड़ा तुम नहीं रहता। मैं अगर विधायक होता तो ये स्थिति नहीं रहता। इसलिए आप लोगों को कमर कसने की जरूरत है, और तमाम मजदूर भाइयों को, बहनों को ये बताने की जरूरत है कि आप यहाँ के झूठ बोलने वाला, यहाँ के भ्रष्ट विधायक, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, अब भाजपा वालों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा करिए, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भरोसा करिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा करिए, आप ताहिर अंसारी पर भरोसा करिए, माननीय अनंत प्रताप देव पर भरोसा करिए,
करके, हम पर भरोसा करके, हेमंत सोरेन पर भरोसा करके अनंत प्रताप देव जी को विधानसभा में भेजे। आपका समस्या अगर समाधान नहीं हुआ तो कल ताहिर अंसारी को पूछिएगा, हमें भी समाज में रहना है। और आज अगर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चार चार बार लड़ करके हमको अभी पूरा पूरा जवानी हम लगा दिया, चार बार चुनाव लड़ रहे, 20 साल में होता है, ये 25वां साल होगा, 5वां चुनाव, यानी एक आदमी के लिए, एक नौजवान के लिए 25 साल 20 साल बहुत बड़ा चीज होता है। उतना समय दे करके, संघर्ष करके, 5 साल जेल में रह करके, पैसा लगा करके, सब कुछ लगा करके आज मैं फैसला लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि भ्रष्ट विधायक को हमको चुनाव हराना है। अब माननीय अनंत प्रताप देव जी की विधानसभा भेजिए, जो भी आपका सवाल है उसका हल करने का, उसको समाधान करने की गारंटी हम देते हैं। और इसलिए आप तमाम लोगों को अब कसम खा लेना पड़ेगा, एक भी मजदूर भाई इधर से उधर नहीं जाएंगे। और यह जिम्मेवारी हमको दीजिए, दिए हैं वैसे, इस जिम्मेवारी को मैं लेता हूं। और जब तक यह समाधान नहीं होगा तब तक हम इस पर लड़ते